सोमवार को विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर अस्पताल के लिए स्वीकृत एम्बुलेंस बीएमओ डॉक्टर रमेश डोगरा को हैंडओवर की, जबकि टौणी देवी अस्पताल के लिए स्वीकृत एम्बुलेंस को सुजानपुर में हरी झंडी दिखाकर टौणी देवी के लिए रवाना किया गया। कोरोना महामारी में गंभीर मरीजों को दूसरी जगह रेफर किए जाने पर एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने पर दिक्कतें आ रही थी, जिस पर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर व टौणी देवी के लिए विधायक निधि से एक एक एम्बुलेंस स्वीकृत की थी, जिनमें चिकित्सा की सभी बेसिक सुविधाओं को लैस किया गया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह से ये सीख उन्हें मिली है कि ऐसी मूलभूत आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि हर क्षेत्र व हर व्यक्ति तक पहुंचानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर अस्पताल में चिकित्सकों की कमी चल रही थी तथा इस मामले में प्रदेश सरकार से मामला उठाया गया है, जिस पर चिकित्सकों के पदों को भी भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब टौणी देवी व सुजानपुर अस्पताल के लिए एक एक एम्बुलेंस विधायक निधि से बजट से स्वीकृति दी गई थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आपात स्थिति में एम्बुलेंस की सुविधा या तो मिल नहीं पाती है या फिर देरी से वाहन पहुंचता है, उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती थी। महामारी में ये दिक्कत और बढ़ गई है, जब गंभीर मरीजों को लाने और ले जाने में उनके साथ आए तामीरदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सतत व समग्र विकास में विश्वास रखकर आगे बढ़ रही है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज के क्षेत्रों तक के लोगों को मूलभूत सुविधाएं घर द्वार पर उपलब्ध करवाई जा सके, जिसके लिए वे प्रयासरत हैं। बहुत सारे पेशेंट को इस बात की दिक्कत आ रही थी कि गाँव से पेशेंट जब हॉस्पिटल लेके जाते थे तो क्योंकि एम्बुलेंस की शॉर्टेज थी और पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए इलाके के लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एम्बुलेंस जो दी जाए। तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर MLA निधि से जो है दो एम्बुलेंस जो है वो स्वीकृत करी थी, एक सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर के लिए और दूसरा सिविल हॉस्पिटल टौणी देवी के लिए। तो उसकी डिलीवरी आज मिली है और आज दोनों ही जो एम्बुलेंसेज हैं वो हॉस्पिटल्स को हैंडओवर करी गई हैं, एक अभी यहाँ खड़ी है और दूसरी अभी टौणी देवी को हमने रवाना कर दी है। तो इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ भी मिलेगा और गरीब आदमी, आम आदमी, गांव का आदमी जब मुसीबत होती है उसको, तो जब एम्बुलेंस के लिए लोग फ़ोन करते थे तो जो कमी पेशी थी उसको दूर किया जाएगा। और आज मुझे लगता है कि आज जो एम्बुलेंस इस कोविड काल में मिली हैं तो मुझे लगता है इसका ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। और वहीं पर इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने 60 साल तक इस प्रदेश की सेवा की, प्रदेश के नहीं बल्कि देश के नेता थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उससे पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोग जो हैं वो बहुत ही उस बात की डॉक्टर्स के लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो है उसके लिए फाउंडेशन हमने 4 साल पहले किया था। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार उसका काम शुरू कर देगी और ये सिविल हॉस्पिटल के लिए एडिशन बिल्डिंग और यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं उसके लिए हमने कई बार विधानसभा में मामला उठाया है और उम्मीद है कि सरकार इसके अमल करेगी। नहीं करेगी तो 1.25 साल बाद 100% सुजानपुर के लोगों के लिए एक शानदार हॉस्पिटल तैयार करेगी, तैयार भी किया जाएगा, स्पेशल डॉक्टर भी बिठाए जाएंगे, क्योंकि सुजानपुर एक ऐसा जंक्शन है जहाँ कांगड़ा के लोग भी आते हैं, कांगड़ा की कई कंस्टिट्यूसीज हैं, आपके मंडी की कंस्टिट्यूसीज जैसे धर्मपुर लगता है, ये यहाँ का पेशेंट भी यहाँ पे, इसलिए ये बड़ा हॉस्पिटल होना यहाँ पर। इस मौके पर BMO डॉक्टर रमेश डोगरा व अस्पताल स्टाफ ने एम्बुलेंस देने के लिए विधायक राजेंद्र राणा का आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश, जिला उपाध्यक्ष लेखराज ठाकुर, महासचिव डॉक्टर अशोक राणा, नगर परिषद की अध्यक्ष बीना दिवान, पार्षद मनीष गुप्ता, आशुतोष शर्मा, मनोज गुप्ता, महेश गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रमन भटनागर, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुमन अटवाल, पार्षद व पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, जिला सचिव महेश गुप्ता भी शामिल रहे।
इस मौके पर रमन भटनागर ने कहा कि स्थानीय विधायक राजेंद्र राणे के द्वारा कई विकास कार्य विपक्ष में रहकर भी करवाए जा रहे हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अच्छे परिणाम देंगे।